2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त है। सबसे अधिक नजरें बिहार पर टिकी है क्योंकि यहां अलग तरह की राजनीति हो रही है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता मुहिम शुरू की और पहली बैठक पटना में ही हुई। लगातार राजनीति बनाई जा रही है कि कैसे 2024 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर किया जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आज लोकसभा का चुनाव हो जाए तो बिहार में नतीजे क्या होंगे, किसके पाले में कितनी सीटें जाएंगी। इंडिया टीवी CNX सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। सर्वे के अनुसार 2019 के मुकाबले बीजेपी को बिहार में भारी नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी को 20 सीटें, जेडीयू को 7, आरजेडी को 7 और कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। LJP-R को 2 सीट, RLJP को 1 सीट और हम को 1 सीट मिल सकती है, यानी 24 सीटें NDE को, जबकि 16 सीटें महागठबंधन को जाती दिख रही है। सर्वे के अनुसार क्षेत्र के आधार पर सीटों को समझे तो नॉर्थ बिहार में 12 सीटें हैं, यहां से 8 सीटें NDA को, तो वहीं महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती है। सर्वे के अनुसार क्षेत्र के आधार पर सीटों को समझे तो नॉर्थ बिहार में 12 सीटें हैं, यहां से 8 सीटें NDA को, तो वहीं महागठबंधन को 4 सीटें मिलती दिख रही है। मिथिलांचल में 9 सीटें हैं, यहां से 6 NDA को, तो 3 महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। सीमांचल में 3 NDA तो 4 महागठबंधन के पाले में जाता दिख रहा है। बता दें कि सीमांचल में अल्पसंख्यक वोट ज्यादा है। इसके अलावा भोजपुर में NDA को 7 सीटें तो महागठबंधन को 5 सीट मिल सकती है। बता दें कि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार में राजनीति भी अभी अलग चल रही है। बिहार में 2019 में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था। 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार ये दोनों अलग हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IVTV। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।